अहिल्या की नगरी तराना में अनुविभागीय अधिकारी एकता जायसवाल SDOP रविंद्र बोयट के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजय मंडलोई की टीम द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती गई। और वहीं नगर परिषद तराना माकड़ौन और कायथा में भी कर्मचारियों द्वारा करीबन 500 लोगों पर चालानी कार्रवाई कर 65,000 रुपए की वसूली की गई। तहलका इंडिया के लिए शेखर कुशवाहा की रिपोर्ट। दीदी आज आपके द्वारा चालानी कार्रवाई की गई है, मैं तो नगर परिषद से क्या हो सकता है, क्योंकि संडे को लॉकडाउन रहता है। तो आज हमने सुबह से चालानी कार्रवाई प्रारंभ की थी, तो उसमें आज हमने 52,000 के लगभग स्पॉट फाइन यहाँ किया है अकेले तराना में। इसके अलावा 9,000 के लगभग हमने माकड़ौन में करवाया है, और अभी कायथा में कार्रवाई चल रही है, उसका एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन आज अगर माने तो 70,000 रुपये का स्पॉट फाइन हो चुका है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रही है, क्योंकि अब एक ही संडे आता है सप्ताह में और उसी दिन लॉकडाउन का हमको करवाना है। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों तक ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा जाए कि वो केवल अनिवार्य कार्य के लिए, बेहद आवश्यक विषय के लिए बाहर निकले। हालांकि संख्या में कमी आई है लोगों के बाहर निकलने की, पर हम ये चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार जितना ज़्यादा होगा, स्पॉट फाइन सांकेतिक है, बहुत ज़्यादा राशि नहीं है उसमें, तो लोग उसको समझेंगे। मैडम एक राज्य शासन की एक गाइडलाइन जारी हुई है समय बढ़ाने को लेकर, तो उसमें क्या कहेंगे? समय बढ़ाने को लेकर के गाइडलाइन जारी हो चुकी है, क्योंकि तराना में पहले से चल रहा था और व्यापारी एसोसिएशन और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें तय हुआ था कि 6 बजे तक कर देंगे जी, लेकिन 6 बजे कम होता है ऐसा मुझे जानकारी मिली है। तो हम कल ही बैठक करके, और अभी तक तो हमने ये कहा है कि 8 बजे तक खोलने की हम अनुमति दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार भी हम ढोंडी से नगर पालिका से करवा रहे हैं। 8 बजे तक हम मार्केट हम खोलने की अनुमति देंगे, संडे को लेकिन टोटल लॉकडाउन।